पूर्णिया से एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां जीएमसीएच में नवजात शिशु का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव ग्लव बॉक्स में अधीक्षक कार्यालय के पीछे फेंका हुआ मिला। इसे सबसे पहले वहीं पास में मिट्टी हटाव का काम कर रहे मजदूरों ने देखा। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही केहार थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। नवजात के शव को यहां किसने और कब रखा, इसका अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। घटना को लेकर मेडिकल स्टाफ का कहना है कि डिलीवरी के ठीक बाद ही किसी महिला ने अवैध गर्भ को छुपाने के उद्देश्य से यह घिनौना काम किया है। किसी को शक ना हो, इसलिए शव को ग्लव्स बॉक्स में रखकर सुपरिटेंडेंट ऑफिस के पीछे फेंक दिया है। वहीं नवजात का शव मिलने की बात जैसे ही लोगों के कानों तक पहुंच रही है, नवजात को देखने लोगों की भीड़ मौके पर जुट रही है। घटना की जानकारी देते हुए हाउसकीपिंग के सुपरवाइजर उज्ज्वल कुमार ने बताया कि अधीक्षक कार्यालय के पीछे मिट्टी धुलाव का काम चल रहा है। काम करने के दौरान कुछ मजदूरों की नज़र ग्लव्स बॉक्स में फेंके एक नवजात पर पड़ी, जिसके बाद जीएमसीएच के हाउसकीपिंग स्टाफ और गार्ड मौके पर जुटे। जीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट और पुलिस को घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और मजदूरों से पूछताछ कर रही है। वहीं घटना की जानकारी देते हुए जीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि नवजात का शव कैंपस में मिला है। शव कैसे आया, इसे किसने फेंका, इसका पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए गए हैं। गार्ड से भी इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। सर सुनो, में एनसीसी वाले मजदूर सब जो है कि यहाँ काम करने आए, तो हमको सूचित किया गया कि एक लावारिस बच्चा यहाँ फेंका गया है। अच्छा, कहाँ पे? ये सुपरिटेंडेंट आवास के पीछे। जीएमसी यहाँ आए तो यहाँ देखने के बाद हम लोग थाना इंफॉर्मेशन की, थाना को बुलाए, उसके बाद आगे की प्रक्रिया। अब बच्चा मृत है? बच्चा जी, बच्चा तो हम लोग देखे मृत है। अच्छा, लड़का है कि लड़की, ये नहीं बता सकते हैं। लड़का अब जो भी हो वो पैक है। हम तो ये मतलब कितने बजे लोगों की नज़र पड़ी, कैसा है? तकरीबन 8:30 बजे सुबह में। जी सुबह में, इसके बाद जो है कि फिर देखे तो हमको इन्फॉर्म हुआ, मैं अभी हाउसकीपिंग का यहाँ का सुपरवाइजर हूँ, साफ सफाई देख रख करता हूँ, तो हमको इन्फॉर्मेशन मिला, तो हम अगले अधीक्षक को भी सूचना दिए, अधिकारी को भी सूचना दिए। पहले किसकी नज़र पड़ी थी? पहले ये एनसीसी का मजदूर है। अच्छा, इसलिए भी सब जो काम कर रहे हैं जितने भी मजदूर हैं, इसी में से कोई देख रहे, पहले तो इन्हीं के स्टाफ में से हमको बोला। प्रशासन भी पहुंची हुई है अभी? जी, प्रशासन को तो हम लोग बाद में सूचना कर किए, देखने के बाद तो प्रशासन मौजूद है, अभी आए हुए हैं, बाकी बात आगे प्रशासन देखेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उज्ज्वल कुमार हुआ। एक नवजात बच्चे का सब मिलने का सूचना सर आ रही है, सर क्या मामला? सुबह आपको भी पता चला ये, तो हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई है, पुलिस उसका जो ज़रूरी न्यायिक प्रक्रिया है वो कर रहा है लोग, और हम अपने स्तर से भी इसको पता करते हैं। हालांकि दोनों गेट तो मेरा बंद रहता है, फिर कैसे ये छोटा सा साइड से गेट है, अब उसे कोई आ गए हो या क्या है, इसको देखते हैं, जाँच का विषय। ऐसे ही खबरों के लिए करें Say24Live को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।